वो प्यार, वो अपनापन, वो शादी, सब सब झूठ था, सब झूठ था। चलावा था, धोखा था। इतना बड़ा सच छुपा उसने मुझसे, इतना बड़ा सच। इच्छा, इच्छा, अरे उठी नहीं अभी तक, कब तक सोती रहेगी? चल आजा जल्दी, सबको चाय नाश्ता देना है ना। दादी जी चाय। इच्छा कहाँ है, उठी नहीं अब तक? शायद नहीं दादी जी, दो बार आवाज दे चुकी हूँ, ना कोई जवाब आया ना बाहर आई। इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं, फिर आज कैसे? हाँ रात में देर से सोई होगी, बबल पूजा में गया था, देर से आया होगा और ये उसका इंतजार करते बैठी होगी। अच्छा अब समझ में आया। देखिए ममता कैसी चाय बनाई है, कितनी पत्ती डाल दी, चाय कड़वी हो गई है। एक काम कर, जब इच्छा उठ जाए तो उससे कहना हमारे लिए चाय बना दे, उसकी चाय बिल्कुल सही होती है, न ज्यादा कड़वी न ज्यादा मीठी। सो तो है दादी जी, उसके हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद ही अलग होता है। अम्मा जी इच्छा कहाँ है, रसोई में भी दिखाई नहीं दी। अब क्या काम है तुझे उससे? मुझे क्या काम होगा, अरे काम तो इन्हें है, आप तो जानती है ये रोज सुबह इच्छा के हाथ की बनी हुई लस्सी पीते हैं, आज लस्सी टाइम पर मिली नहीं तो उखड़े हुए हैं। जिसे देखो उसे इच्छा के हाथ की बनी चीजें ही चाहिए। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये लोग सुबह से लेकर रात तक इच्छा इच्छा करते रहते हैं, इतनी आदत हो गई है इन्हें इच्छा की। ओहो प्रबल साहब सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, वाह जरा जोर से पढ़ते। मर्दे अखबार, अरे किसके सर पे मर्दू अखबार? मारे सर पे मर्दे। अरे भाई मैंने बोला जोर से पढ़ दे, जोर से पढ़ दे। ठीक है पढ़ पढ़। हे भगवान। रे भाई उनका दिन क्यों खराब कर रहा है तू? अरे खबर ही ऐसी है पिताजी, एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश छुपा दी और घर वालों के पूछने पर बताया कि मायके गई हुई है। मन तो कर रहा तेरे एक थप्पड़ लगा दूं। मेरे क्यों थप्पड़ लगा दो, झूठ उसने बोला, हत्या उसने करी, आप मुझे थप्पड़ लगा रहे हो। अरे सुबह सुबह मनु उस खबर क्यों पढ़ रहा है? अरे जो छपा है वही तो पढ़ूंगा ना। अरे ये अखबार वाले तो घटनाओं को बड़ा चढ़ा के छापे हैं। मैं समझा ना? समझाता हूँ, अरे समझाता हूँ। देख छोरे खबरें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें समझना भी पड़ता है। उस आदमी ने अपने घर वालों को बताया कि उसकी पत्नी महके गई, घर वालों ने तुरंत यकीन कर लिया। घर वालों ने यह नहीं पूछा कि वो क्यों गई, कब गई, किस लिए गई, कैसे गई। घर की बहू घर के बड़े बुजुर्गों को बिना बताए कभी महके जाती है? मुझे कैसे पता, मैं कोई बड़ा बुजुर्ग थोड़ी ना हूं। तू तो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। वो तो हूँ पिताजी। अकल से तू ये मनुष्य खबरें पढ़, मैं तो जा रहा हूँ खेतों में चक्कर लगाने। खेतों में चक्कर लगाने? अरे पिताजी आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, खेतों में शक्कर नहीं गन्ने लगाते हैं और गन्ने से शक्कर निकलती है। अरे इतने बुजुर्ग हो गए ये भी ना पता। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, पता ही नहीं था मुझे तो। अरे भाई मैंने कहा खेतों में चक्कर लगाने शक्कर ना। अच्छा ठीक है पिताजी, तो मैं भी चलता हूँ। चाय चाय चाय। अम्मा जी मैं चाय बना कर ले आई हूँ, देखे आपको मेरे हाथों की चाय पसंद आती है कि नहीं। अरे बबल अच्छा हुआ तू आ गया, तो मैं थारे कमरे में ही आ रही थी। अच्छा छोरा ये बता पूजा कैसी थी, रात को कब लौटा? हम तो सब सो गए थे लेकिन इच्छा। आप लोग इच्छा इच्छा करना बंद करेंगे प्लीज। ये हो गया छोरा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, इच्छा से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं दादी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर इस तरह से तू चंचल तो रुक जा, ये कुछ नहीं बताएगा, मैं इच्छा से पूछती हूँ। दादी इच्छा घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब मंदिर गई है के?
या तुझसे रूठकर बाहर। दादी वो कल रात को ही घर छोड़ के चली गई है। अपने पिता के साथ ऐसे कैसे गई? क्या करा तूने? नहीं नहीं, इच्छा ऐसे नहीं कर सकती। इच्छा घर छोड़कर क्यों जाएगी देवर जी? अरे वही तो, ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई शिकायत, बिना वजह कैसे जा सकती है वो? भैया वो चली गई है। क्यों गई, किस वजह से गई, इस सब में मत पड़िए। बस इतना समझ लीजिए आप कि वो सारे रिश्ते नाते तोड़ कर गई है। मर चुकी इच्छा हमारे लिए, इच्छा हमारे लिए। हे नागुमी देव, आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगर मेरी नीयत साफ है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे कामयाबी दीजिए, ये परीक्षा पार करने की शक्ति दीजिए। इच्छा ने जोश में आकर बहुत ही गलत कदम उठाया है। नागिस्तान के आज तक के इतिहास में नेवला क्षेत्र परीक्षा को कोई भी पार नहीं कर सका है। इसमें कामयाब होना लगभग असंभव है। मुझे घर से तो निकाल दिया बब्बल जी, अपने दिल से कैसे निकालोगे? निकाल दूंगा, अपने दिल से भी निकाल दूंगा। इच्छा, तुम्हारी हर एक याद का नाम और निशान मिटा दूंगा, अपने दिल से भी और इस घर से भी। जी बबल तो गुस्से से उबल रहा है, मैंने आज तक इसे इतने गुस्से में ना देखा। लग है इच्छा के साथ चोरों का झगड़ा हुआ है। हमारा बेटा है तो पहलवान बुद्धि, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हाँ पिताजी, मुझे भी यही डर है, कहीं इसने भी उस अखबार वाले आदमी की तरह अपनी पत्नी को। अरे वो डरा मत, अंदर चला। अच्छा छोरे, अकेले गठरी बांध रहा, ले मैं तेरी मदद कर दूं। अरे क्या हो गया, ऐसे गुस्से से मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू? अब खास क्यों रहे, कुछ बोलना है तो सीधे सीधे बोलिए ना। खोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खोलनी है गठरी, बांधनी ना है। भैया खोलिए नहीं, बोलिए बोलिए बबल। अरे बबल ऐसा है, देख इच्छा से क्यों नाराज है ये तो हमें नहीं मालूम, वो कहाँ है यो बता दे। उसका नाम भी मत लीजिए बबल। अच्छा तो ये बता दे कि तेरी पत्नी कहाँ है। उसका नाम मत लीजिएगा, मतलब है उसका जिक्र भी मत कीजिए मेरे सामने। आप दोनों जाइए ऐसे, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अब्बल मेरी बात तो सुन। आप जा रहे हो, मैं जाऊं? नहीं नहीं भाई, भाई भाई हम जा रहे हैं। छोरे चले, छोरे चले। अरे मतलब छोरे चले।
बबल को हो क्या गया है? इच्छा का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। जरूर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। इच्छा नाराज होकर चली गई, इसीलिए बबल को और भी गुस्सा आ गया। और कोई बात नहीं, शाम तक इंतजार करते हैं, दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही सुलह कर लेंगे। बबल रुक जा छोरा, छोरा के चल रहा है सुबह से? तू इच्छा से इतना नाराज क्यों है? इच्छा घर छोड़ के क्यों गई? तू चुप क्यों है बबल? बोल के बात है? अरे तू कुछ बताएगा भी? बबल तू इस तरह से चुप नहीं रह सकता। तू चुप रहेगा तो फिर हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आएगी। क्या हुआ बेटा बता ना। बबल मैं तेरा बाबू, मुझे बता दे क्या हुआ है। बबल ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मेरे ममता में कितनी होती है। बबल बता दे, देख बहुत हो गया यार। छोरा चुप रहने से कुछ ना होगा, तू बोल तो सही क्या बात हो गई? क्या बात है बबल बेटा बता तो सही। बबल बोल ना। बोल यार। कुछ नहीं हुआ उन दोनों में। कुछ नहीं हुआ तो फिर इच्छा घर छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि वो इंसानों के बीच नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो नागिन है। छोरा अपनी जबान को लगाम दे। इच्छा इस घर की बहू है और इस घर में बहू बेटियों की इज्जत होवे। ऐसी भी क्या नाराजगी कि तू इच्छा को नागिन बोल रहा है? दादी ये नाराजगी नहीं है, यही सच है। छोरा छोरा पति पत्नी में अनबन होवे, गुस्से में एक दूसरे के लिए गलत शब्द निकल जावे, छोरा ये तो हद हो गई। हमारे घर के ये संस्कार ना है छोरा। दादी अब समझ क्यों नहीं रही है? इच्छा वाकई में घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तो कहना क्या चाह रहे कि इच्छा नागिन है? दादी नागिन मतलब नागिन जैसी, बात बात में रूप बदलने वाली, बात बदलने वाली। दादी वो जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं, उसके भोले भाले चेहरे के पीछे झूठा और स्वार्थी चेहरा छुपा था। जिस घर ने उसे दूध पिलाया उसी को डसने चली थी वो, और इसलिए मैंने उसे। जिस घर ने उसे दूध पिलाया उसी को डसने चली थी वो, और इसलिए मैंने उसे। ना छोरा ना, मैं ये बात नहीं मान सकती। मतलब आपको मुझ पे भरोसा नहीं है दादी? भरोसा है छोरा, भरोसा है, लेकिन मैंने इच्छा पर भी उतना ही भरोसा है। मैं एक की बात सुनकर दूसरे को दोषी ना ठहरा सकती। मैंने इच्छा का पक्ष भी सुनना होगा। बता छोरा इच्छा का है? बोल छोरा। वो मैं नहीं जानता दादी, लेकिन हाँ इच्छा हमेशा के लिए चली गई है। अब वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। कभी नहीं, कभी वापस नहीं आएगी। छोरा हमारी बात सुन ले छोरा। बबल रुक जा छोरा, मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही। थोड़ी देर पहले ये कह रहा था मायके गई है, आप कह रहे हैं अभी वापस लौट कर नहीं आएगी, कल कहेगा? मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। चंचल अरे संभल, जा अपनी माँ को संभाल। दादाजी शिवजी ना करे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो,
क्या सोच रहा है तू? नोच नहीं रहा पता, तो सोच रहा हूँ। अरे भाई सीधे सीधे मुद्दे पे आ जा, नतरे पान नोच लूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या सोच रहा है तू? मेरा मतलब है अखबार वाले पति की तरह कहीं बबल ने भी छको तब तो छोरा जेल जाएगा। खेल जाएगा? अरे पिताजी खूनी खेल तो वो खेल चुका होगा। अरे खेल नहीं जाएगा, जेल जाएगा, जेल। जेल? अरे नाना मैं अपने भाई को जेल ना जाने दूंगा, उसकी जगह मैं जेल चला जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा? तूने खून थोड़ी किया है। बबल का जुर्म मैं अपने सर पे ले लूंगा पिताजी। अरे मैं तो आधी जिंदगी जी चुका हूँ, बबल की तो अभी जिंदगी शुरू हुई है, वो काल कोठरी में ना कटने दूंगा। अरे नाना छोड़े ऐसी बातें ना कर, तुम दोनों में से कोई भी जेल जाएगा मारे से बर्दाश्त ना होगा। आप जाओगे पिताजी? छोरा मारी तरफ देख, अब बता के बात। जितना मैं तुझे जानती हूँ तो बेवजह नाराज होने वालों में से नहीं, और इच्छा इच्छा तो तुझे कितना प्यार करती। छोरा ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू उसको स्वार्थी और ढोंगी बोल रहा है? I'm sorry दादी, मैं आपको वजह बता नहीं सकता। दादी आप बस इतना समझ लीजिए कि इच्छा एक एक बुरा सपना थी जिसे हमें भूल जाना चाहिए। ना तो मेरी पत्नी कहलाने के लायक थी और ना ही इस घर की बहू। ये क्या है बबल, एक और तो पूरी बात साफ साफ बता नहीं रहा है और दूसरी और हमसे कह रहा है कि इच्छा को नालायक समझ। कल तक तो तू उसकी तारीफें करते हुए थकता नहीं था, आज अचानक तू उसकी बुराई कर रहा है। हम किस बात पर यकीन करें? बबल एक बात समझ, मारी बूढ़ी आके कमजोर जरूर हुई है लेकिन इतनी कमजोर ना हुई है कि इंसान को पहचान ना सके। इच्छा एक प्यारी बच्ची, अच्छी इंसान, अच्छी बहू है और अच्छी पत्नी है, और सबसे बड़ी बात वो तुझे पागलों की तरह प्यार करती है। नहीं था, वो प्यार झूठा था, मतलब ही था वो प्यार। ये पटल अचानक बंद क्यों हो गया? इच्छा रोको इस जुनून को, छोड़ो ये पागलपन। पाकू तुझे भी यही लगता है कि? और क्या कहूं मैं इसे, नेवलों के जंगल में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, वहां एक से एक खतरनाक नेवले होंगे, पता नहीं तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी। अभी तो बस शुरुआत है इच्छा, इतना खतरनाक सफर तुम कैसे करोगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.